माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के अंदर मेरे पास ऑप्शन है टेक्स्ट का केस चेंज करने का। तो उसको एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आप जिस टेक्स्ट को उसका केस को चेंज करना चाहते हैं, कैपिटलाइज करना चाहते हैं या डिफरेंट केसेस करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको अपना टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा। आप अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए, या अगर आप पूरे स्लाइड के अंदर चेंजेस करना चाहते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें, तो आप ये चेंजेस उसके अंदर कर सकते हैं। तो फर्ज किया मैं एक लाइन के टेक्स्ट को चेंज करना चाहता हूँ, उसके केस को चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं उस लाइन को सिलेक्ट करूंगा अपने माउस कर्सर से, और उसके बाद फॉन्ट जो रिबन के अंदर मेरे पास टैब मौजूद है उसके अंदर मैं क्लिक करूंगा चेंज केस के ऊपर। तो मेरे पास पांच ऑप्शंस बनी हुई आ जाएंगी: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। अगर मैं सेंटेंस केस करूंगा तो आप देखेंगे कि सारी चीज सेंटेंस के हिसाब से ही रहेगी। अगर मैं लोअर केस करूंगा तो सब चीज लोअर केस में चली जाएगी। अगर मैं अपर केस पर क्लिक करूंगा तो हर चीज कैपिटलाइज हो जाएगी। और अगर मैं चाहता हूं कि हर वर्ड जो है वो कैपिटलाइज हो जाए, तो आप देखेंगे कि स्टार्ट का जो हर वर्ड है वो कैपिटलाइज हो गया है। और अगर मैं चाहता हूं कि जहां पे कैपिटल है वहां पे स्मॉल केस हो, और जहां पे स्मॉल केस है वहां पर कैपिटल हो, तो वो मैं टॉगल केस से कर सकता हूँ। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 के अंदर सेंटेंस केस, टॉगल केस, अपर केस, लोअर केस, और हम इनको किस तरह चेंज कर सकते हैं।